देखिए दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं लड्डू। बहुत ही बढ़िया, ये केसर है जिसे हमने पानी में घोल लिया है। देखिए दोस्तों, इससे बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। ये एक कटोरी बेसन है जो हमने लिया है, इसे हम छान लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, बेसन को छानने से उसमें जो कचरा होता है निकल जाता है। और हमने ये देखिए केसर के पानी से हम इसे गूंद रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, इसका बिल्कुल पतला सा घोल कर लेंगे, एकदम पतला नहीं, थोड़ा सा गाढ़ा रखेंगे। ज़्यादा पतला करने से ये सही नहीं बनेगी। तो देखिए, इस तरह से हमारा घोल तैयार है। यह सरसों का तेल है। सबसे पहले हम इसमें ये देखिए इस तरह से बनाते हैं लड्डू। ओके, इनको हम तल लेते हैं, धीमी आंच पर इन्हें तलते हैं दोस्तों। देखिए, जिससे ये बहुत ही बढ़िया लगती हैं। इसमें हम थोड़ा सोडा डाल लेते हैं जिससे ये थोड़ी नरम बनती हैं। ये देखिए बनकर तैयार है। अब हम चाशनी बना लेते हैं। ये हमने एक कटोरी चीनी ली है दोस्तों। देखिए, इसमें हम लगभग 2 गिलास पानी डाल लेते हैं और इसको धीमी आंच पर गर्म करते हैं। चम्मच से चलाते जाएंगे और चाशनी बन जाती है। लगभग 1 तार की हम चाशनी लेते हैं दोस्तों, और ये बनकर तैयार है। देखिए इस तरह से, देखिए इन्हें हम चाशनी में डाल देते हैं दोस्तों। इन्हें अच्छी तरह से मिला देते हैं। देखिए इस तरह से मिल गई हैं। तो देखिए दोस्तों, और अब हम इन्हें मिलाकर थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। उसके बाद हम लड्डू बनाते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से बहुत ही अच्छे और बहुत ही बढ़िया लगते हैं लड्डू। ये देखिए दोस्तों, हम इनको थोड़ा सजा देते हैं। ये बादाम और केसर रखी हमने इस पर, बहुत ही बढ़िया है। देखिए।